जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आए आज एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। नया क्या है? हमने जो है पिछले वीडियो में आपको कहा था कि काल सर्प की शांति का एक अनुभूत प्रयोग, सर्व प्रभावी अनुभव सिद्ध प्रयोग की चर्चा करेंगे। आज हम इसी प्रयोग के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। यद्यपि काल सर्प की शांति के लिए अनेकानेक प्रयोग जो है ग्रंथों में उल्लिखित हैं और आप सब जानते हैं, किंतु जो है मेरा अपना अनुभव है कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो जिन कारणों से काल सर्प योग है पहले उन कारणों का समन होना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है यह काल सर्प योग राहु और केतु की वजह से बनता है। राहु केतु की गर्त में यदि सभी ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग होता है। अतः इसकी शांति से पूर्व पहले जो है हमें राहु केतु का 4 गुना वैदिक मंत्र का जप कराना चाहिए, जो परम आवश्यक है। 78,000 राहु का और 76,000 केतु का। तत्पश्चात किसी भी शनिवार को शनि की होरा में, वह शनिवार शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी शनिवार को शनि की होरा में 1 6 आना भर चांदी का सीधा नाग बनवाएं। हाँ, नाग की मात्रा 6 आना की ही होनी चाहिए, अधिक कम नहीं हो और उसका आकार सीधा हो, तथा 300 ग्राम खोए का एक पिंड बनवाएं, 1 लकड़ी का कोयला, 1 हल्दी की गांठ 11 रुपए सिक्कों में, विषम संख्या में बरगद के पत्ते, भट्ट के पत्र लेकर के उसका 1 दोना बनवा ले। इतना बड़ा दोना हो कि उस दोना में ये सभी वस्तुएं आ जाए। उस दोना में ये सभी वस्तु को रख करके पश्चात किसी भी नदी में प्रवाहित जल के समीप में चले जाए और इस दोना में सारी वस्तु रखने के पश्चात अपने सिर से 7 बार जो है इसको घुमाएं। पश्चात जो है प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा, मेरे कुल के द्वारा, मेरे वंश के द्वारा यदि किसी भी लोक के नाग का कोई अपराध हुआ है जिसकी वजह से आपकी गति बिगड़ गई है, हम आपकी गति को सुधारने के लिए फला नदी में, अमुक नदी में इस रजतमय नाग को प्रवाहित कर रहे हैं। आपकी गति सुंदर हो, हमारे द्वारा किया गया, हमारे वंश के द्वारा जो किया गया अपराध है उसे आप क्षमा करें। हमारे जीवन में जो आ रही परेशानियां हैं, कार्य व्यापार तथा जो है दाम्पत्य जीवन में, संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं हैं, वह समस्त बाधाएं जो है समन हों। दैहिक, दैविक, भौतिक कोई भी जो है कठिनाई है, परेशानी है, उससे जो है हमें निवृत्ति प्राप्त हो, आपके जीवन में जो है आनंद हो, आपकी गति जो है तो सुधरे, इस भाव से प्रणाम करके उसे जो है तो नदी में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़ करके 1 कदम चलने के पश्चात सिर से जो है स्नान करें, सावस्त्र स्नान करें, वस्त्रों का वही जो है सांप की कीचली की भावना करते हुए वस्त्र जो है त्याग करें। जैसे सर्प अपनी कीचली छोड़ करके नया जीवन प्राप्त करता है, इसी तरह से आप भावना करें कि आज से जो है हम नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं। घर आकर सूर्य नारायण को अर्घ दें,
दुग्ध धारा से नमक चुंबक विधि से एक रुद्राभिषेक कराएं, नौ ब्राह्मणों को खीर सहित भोजन करें कराएं और नौकुल का नाग मानते हुए उन्हें जो है कुछ दक्षिणा प्रदान करें। यदि इस क्रिया को वर्ष में 3 बार दोहरा दें तो निश्चित जो है आपके कुंडली में कोई भी काल सर्प योग है वह दोष जो है खत्म हो जाएगा। उस दोष से आपको पूर्ण निवृत्ति मिलेगी और वह काल सर्प योग आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, मैं अपनी वाणी को आज यही विश्राम देता हूँ। पुनः जो है अगले वीडियो पर पुनः आमने सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्री राधे। बांके बिहारी की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, राधे।